राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, स्नैचिंग जैसी वारदातों को पुलिस की नाक के नीचे अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एक ऐसा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यूज मानपुर इलाके के शास्त्री पार्क रेड लाइट का, जहां एक शख्स को लूट से बचाना उस समय भारी पड़ गया जब बदमाशों ने उसके भाइयों और दोस्तों के सामने उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। करीब 3:30 बजे 3:30 बजे हमारी छुट्टी हुई थी। मैं क्लासिक ट्रेवल्स में काम करता हूँ, ISBT कश्मीरी गेट पे लेबर का काम करता हूँ। मैं और मेरा भांजा और एक लड़का और है मेरे चाचा का लड़का, हम तीनों ऑटो में आ रहे थे। तो एक लड़का हमें मिलता, वरुण नाम है उस लड़के का, वो हमारे अभी पीछे खड़ा हुआ साथ में है। उस लड़के को मारने के लिए हमने तो एक ही लड़का देखा था, वो उसके पीछे पड़े हुए थे, वो हाथ जोड़ के हमारा ऑटो रोकता है। हमने ऑटो रोका अपना, उस लड़के को बिठाने की हमने कोशिश करी तो उसको बैठने नहीं दे रहे थे। इतने में मेरा भांजा बाहर निकलता, कह रहा भैया आप क्यों नहीं बैठने दे रहे। बस उसने ऐसे पीछे हाथ कर रखे थे, ऐसे चाकू निकाला और उसने ऐसे मारा और ऐसे निकाल लिया बाहर। बस हम उसको लेके चलते बने हॉस्पिटल, ये आपका जग प्रवेश हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए हम। और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था मेरे भांजे ने। क्या बता रहा था वरुण, क्या बता रहा था लूटने के लिए? हाँ वरुण, ये भाई बता रहे हैं कि मुझे लूटने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं भाई, मुझे बिठा लो। बस हमने इनकी हेल्प करी, ऑटो वाले ने ऑटो रोका, अगर ना रोकते तो शायद हमारा भांजा हमारा भैया बच जाता। मृतक वसीम अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर क्लासिकल ट्रेवल्स में काम किया करता था और अपने रिश्तेदारों के साथ सुबह करीब 4 बजे अपने घर ऑटो से लोनी लौट रहा था। शास्त्री पार्क रेड लाइट पर जैसे ही उसका ऑटो रुका, तभी वरुण नामक शख्स ने उनसे यह कहकर मदद मांगी कि बदमाश उसे लूट रहे हैं, मुझे बचा लो। वह वरुण को ऑटो में बैठाने लगे तो तभी बदमाशों ने वरुण को ऑटो से खींचना शुरू किया। पीछे बैठा मृतक वसीम ने बदमाशों से वरुण को छुटाना चाहा तो बदमाशों ने चाकू निकाल कर वसीम का गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह 4 बजे पंजाब से आ रहा था, तो उसके बाद जैसे ही मैं शास्त्री पार्क रेड लाइट में ऑटो से उतरा तो मैं नीचे की तरफ आने लगा एकदम, तो पीछे से एक लड़का था जो उस मैके टाइप का लग रहा था, तो उसने मेरे से छीना झपटी करने की कोशिश करी पूरी। तो उसके छुड़ाने के चक्कर में जब मैं आगे भागा तो उसने मुझे जबरन रोकने की कोशिश करी बार बार। इस चक्कर में पीछे से 2 ऑटो आए, ऑटो वाले को मैंने रुकवाया खजूरी जाने के लिए अपना, तो उन्होंने मेरी मदद के लिए वो एकदम बीच में से उतरे। तो जैसे एक मैं एक भाई बीच में से मदद के लिए उतरे, क्या दिक्कत है इसको, क्यों नहीं जान दे रहा भाई को, उसने अपने यहाँ से गिरबान में से अपना वो चक्कू निकाला, चक्कू लगा के उसके यहाँ गले में अपना मार दिया। उसके बाद वो लड़का फटाफट पीछे भाग गया, हम लड़के को हॉस्पिटल लेके अपने चले गए। क्या डेथ हो गई इस लड़के की? लड़की मौके पर डेथ हो गई। वरुण तो बच गया लेकिन वसीम बेमौत मारा गया। इस घटना के चलते पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारों का सुराग लगाने में जुट गई है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।